आज काम करते कैसे लग रहा हो? ये लाइट फिर चली, कल मैंने सही की थी कितनी बार 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 बार। इसको निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। अब पति से काम कराते हुए मजा आ रहा है। एक दिन तो आते हैं। और इधर वो देखिए चाय बनने रख दी है, मैंने सारा कर दिया था। तुमने तो मुझे चाय नहीं दी। हाँ सोना को तो चाय नहीं दी। चाय दे रहा हूँ, बना रहा हूँ बेटा, चाय बना रहा हूँ, फिर तुम चाय पीने थोड़ा थोड़ा। तो कैसा लग रहा है किचन में? सिर्फ मैं पहली बार आया हूँ मैं। ओहो, कोई कुछ तो काम करते नहीं हो? पूरी बना तो सीखता नहीं हूँ। आज तो बस जी थोड़ा सा तुम्हें तबीयत खराब तभी तो आ गए, नहीं तो कौन सा आते हो तुम किचन में? ऐ देख तो लो, हम तो हर चीज से तैयार रहते हैं। और मैं जैसे कुछ करती नहीं हूँ पर चलो कोई नहीं, मैं नहीं करती। चलो कोई नहीं, एक दिन के लिए कुछ तो करे। इतना तो इन अपनी फैमिली, हमारी फैमिली से ही बोल दो, आप लोग भी आ जाओ मेरे हाथ की चाय पीने। आ जाओ सब लोग चाय पीने के लिए अपने भाई के हाथों से। और बहुत टेस्टी बनाता हूं। बहुत मजा आ रहा है मुझे। कभी वीडियो में ऐसे नहीं है, वैसे तो मदद कराते ऐसे वीडियो में कभी नहीं आए, आज देवता मठ पे है, हमारे यहाँ कहावत है। बहुत टेस्टी चाय बनाता हूं मैं, बिस्कुट भी रख रख के, चाय बिस्कुट सब लोग खाएंगे हम बैठ करके। आ जाओ। हाँ कोई कुछ ही नहीं, चीनी डालते तो चाय पत्ती नहीं डालते, चाय पत्ती डालते तो चीनी नहीं डालते। बिल्कुल परफेक्ट बनाई, बिल्कुल परफेक्ट। चलो तो ठीक है भाई, बाय कर दो। चलो तो बाय बाय, बन गई जल्दी से आना। अच्छा ट्रेन से खाए से एरोप्लेन से ट्रेन ले जाएगा? अरे कोई नहीं, वहाँ से यहाँ से पियेंगे तो हम पी रहे वो पी रहे बातें की है ना। गाना करो, मैं पार्सल कर दूंगा सब लोगों को। तो ठीक है, और आप लोग बताइएगा काम कराते हुए कैसा लगा? पहली बार बड़ी जो भी मैं वंशिका को करा रही थी, मुझे सर्दी से मैं झूठ बोलती हूँ। तो ये पूरी करवाता नहीं तुम्हारा? कब, महीने में चार दिन। तो महीने में चार दिन हो चाहे एक दिन हो, करवाता तो हुई, मना तो नहीं करता। लो सोना अभी आ गए, चलो सोना बाय कर दो। तो ढाई, और मैं बनाने जा रही हूँ पोए। पोए के लिए मैंने आलू टमाटर प्याज को कट कर लिया है। और देखिए कोई क्या आएगा, कुछ कमेंट आते हैं टमाटर नहीं डालते हैं। देखिए सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हमें मेरे हस्बैंड को टमाटर वगैरह बहुत अच्छे लगते हो। देखिए मेरे यहाँ पे मेहंदी रच गई है और मेहंदी अब छूटने लग गई, छूटती है ना तो बड़ी रूखी रूखी से हाथ हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। वंशिका का मन था ये बनाने का, और लाइट जला लेते हैं। ये देखिए लाइट जल गई है और कढ़ाई ले ले रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ। पोहे का पैकेट लेके आई थी जो 30 का आता था, वो 35 रुपए का दिया है। ये वाला लेके आई, ख़त्म हो गए थे तो भाग के गई, मैं लेके आई हूँ। और हरी मिर्ची ख़त्म हो गई, कड़ी पत्ते भी अब ख़त्म हो, कड़ी पत्ते मैंने कितने दिन चला लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते, सादा कुछ बता दी। राई से छौंकूंगी, और सब कुछ पहले से तैयार करके रखा था क्योंकि वंशिका अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। देखिए वंशिका अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी, तो मोबाइल सही नहीं था। तो अब बना रही हूँ मैं ट्राइपॉड, ट्राइपॉड में ले लेती हूँ। और वो नहीं 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 वो वाला नहीं, बड़ा वाला, बड़े वाले में वो लाइट वगैरह नहीं होती। और ये भी लेटे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं बैक कैमरे से। तो यहाँ पे मैं पोहे को अच्छे से धो लूँगी और इसको थोड़ी देर रख दूँगी तो ये खिले खिले हो जाएंगे। पोहे वगैरह तो सभी को आते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया था रिफाइंड ऑयल, राई से तड़का देने जा रही हूँ। और राई से ही अच्छा लगता है, पीली वाली राई हो तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक सूखी मिर्ची ले ली है। इसको थोड़ा सा भुजने के बाद प्याज और आलू, एक आलू काटा था, आलू थोड़ा सा ना सोना वगैरह खा लेती है वंशिका, तो इसलिए एक आलू डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। वैसे आपको पता ही ज़्यादातर हम रोटी सब्जी ही बनाते हैं इस तरह की चीज़ें। मतलब आप लोग देख लीजिए मेरी वीडियो उठा के, हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए आलू और प्याज एक साथ ही मेरा भुंज गया था, प्याज को पहले डाल दिया था और फिर थोड़ी देर बाद मैंने आलू डाल दिए थे। तो तेल में आलू बहुत जल्दी बन जाते हैं। और एक टमाटर डाला बड़ा वाला, मिर्ची डाली है, हल्दी तो ज़्यादा डालते ही डालते हैं, और गरम वो धनिया डाला है। और इसको टमाटर को अच्छे से गलने के बाद ही पोहे डालेंगे, और नमक डाला है।
और खट्टे में खट्टे मीठे वाले पोहे बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे चीनी और नींबू दोनों डाल के बनाते हैं ना, वो पसंद करते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा, फिर आप लोग बताइएगा, फिर कमेंट करिएगा। तो इनको अच्छे से टमाटर को गल जाने के बाद, क्योंकि टमाटर जब कच्चे कच्चे रह जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए इनको टमाटर को बिल्कुल बारीक कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और आलू आप खुद ही देख सकते हैं, आलू एकदम से वैसे हो गए हैं, एकदम से गल गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर निकल के आया। अब इसमें पोहे डाल देंगे जो कि मैंने पहले ही धो के रख दिए थे। पहले धोने से तुरंत होते हैं तो थोड़े से जल्दी फूल नहीं पाते हैं, इस तरीके से फूल जाते हैं। और इनको अच्छे से मिला दूंगी, थोड़ा पकड़ने में नहीं आ रहा तो मैंने कैमरे को एक साइड से रखा और इसको फिर मिलाया। तो थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ और बाद में नींबू डालूंगी, और नमकीन भी डाल सकते हैं। मेरी नमकीन है जो ख़त्म हो गई है, इनको तो नमकीन डाल के ही पोहे पसंद है। पीले चावल हुए या फिर ये हुए, नमकीन डाल के अच्छे लगते हैं। तो अच्छे से पोहे को मिला ले रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी चीनी के दाने डाल दिए थे, ज़्यादा नहीं, इससे खट्टे मीठे पोहे हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। तो प्लेट में पोहे वगैरह खाने के बाद यहाँ पे सब्जियाँ आई थी, सब्जियाँ थोड़ा ना वो मोटर चल रही थी तो मैंने बोला इनको धो लेती हूँ, थैले में से निकाल ली। पिछली बार ना मैं थैले में से आलू निकालना भूल गई थी, तो आलू दो तीन आलू मेरे ख़राब हो गए थे। फिर वो आलू मैंने धो दिए, पर जो ख़राब हो जाते हैं ना, एक बार वो आलू सब अच्छे आलुओं में लग जाए ना तो वो सारे आलू धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था पिछली बार के, ज़्यादातर आलू मेरे ख़राब हो गए थे। और आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। और ये देखिए सारी सब्जियों को निकाल लिया, सिर्फ थैले में आलू रह गए। फ्रीज में रखने वाली सभी सब्जियों को मैंने निकाल लिया, और देखिए तोरई वगैरह ये सब धो के। और ये देखिए कल गाँव में भी दीदी ने भी तोरई बनाई थी, बड़ी वाली दीदी ने। तो यहाँ पे बैंगन वगैरह सब धो लिए अच्छे से, इनको नचोड़ने के लिए रख दूँगी। पानी आता है ना तो जल्दी काम हो जाता है, बाल्टियों में से ले लेके पानी नहीं इतना हो पाता है। तो ये देखिए सब्जियाँ धुल गई हैं, जब बनाने बैठती हूँ तो एक बार धो लो, और इतनी गंदी भी नहीं होती, और थोड़ी डर भी नहीं लगता है। मैंने मिर्ची नींबू ये सब भी मंगाए थे, अदरक भी, बिना अदरक के चाय अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर सारा सब्जी वगैरह का करने के बाद ये भी आ गए, ये लेटे हुए हैं। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रसीली अरवी, इसके लिए मैंने अरवी धो ली थी पहले ही, और फिर से काट के इनको वैसे करके फिर से इनको धो लूँगी। अभी तो इनको छील रही हूँ। मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया, अदरक लिया, लहसुन प्याज का वो लहसुन अदरक, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी। प्याज को चाकू से बारीक काट लूँगी, और इसको थोड़ा जब अरवी को छीलते हैं ना तो हाथों में खुजली मस्ती है, तो मैंने ना थोड़ा सा तेल लगा लिया है, मेरे ज़्यादा मस्ती है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इन्होंने वो मैंने बोला उबाल के बना लो, तो इन्होंने बोला नई तरी वाली सब्जी बना लो, आज तरी वाली सब्जी खानी है। मैंने बोला ठीक है, तो तरी वाली सब्जी बना लेते हैं। हस्बैंड को ये अरवी और गोभी ये सारी चीज़ें पसंद आती है। और आज पतिदेव से काम करा के कैसा लगा, आज बल्दे ले लिए, ज़्यादा काम तो नहीं किया था, पर चाय बना ली थी और थोड़े बहुत कपड़े वपड़े उतार दिए थे। इतना काम कम नहीं होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। कभी नहीं इन्होंने चाय बनाई है, हाँ पूड़ी वगैरह सिकवा देते, पर चाय और ये कपड़े पहली बार। थोड़ा सा मुझे जुकाम जैसा लग रहा ना, तो शरीर टूट रहा था, सर में दर्द हो रहा था, तो इसकी वजह से। तो देखिए फ्रिज में मैंने जो सब्जियां धोई थी वो फ्रिज में कर दी हैं, फ्रिज में रखने की थी वो फ्रिज में रख दी हैं। और ये मैंने अरवी को धो लिया, यहाँ पे लहसुन प्याज का अदरक मैं तैयार कर ले रही हूँ, और कुकर रख दिया है, कुकर में मैंने तेल डाला है, रिफाइंड यूज करती हूँ। और देखिए हाथ से करके इसको डाल दिया है, हाथ से करते थोड़ा सा स्वाद और निकल के आता है। लहसुन, फिर लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है, 4-5 हरी मिर्ची, इससे सब्ज़ी थोड़ी सी सुंदर दिखती है। और हरी मिर्ची मंगाती हूँ तो इसीलिए वीडियो को स्पीड दे दिया, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए। तो प्याज लहसुन हरी मिर्ची भुजने के बाद टमाटर डाला, टमाटर में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे अपने स्वाद अनुसार। देखिए मसाला बनके तैयार हो गया। मैं वीडियो में बहुत कुछ दिखाती हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, बातें ही नहीं होती मेरी वीडियो में, रेसिपी होती है, काम होते हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो फिर ये देखिए सब्जी में डाल दिए पानी, और 10-5 मिनट में ही सब्जी बनके रेडी हो जाती है, और 2-3 सीटियों में ही बन जाती है। गरम मसाला डाल दिया, और आप कलर देख सकते कितने बढ़िया। और एक देखिए मैं काटना भूल गई थी, एक साबित रह गई है। तो यहाँ पे इनको दे रही हूँ रोटी, और
और देखिए थाली में लगाया मक्खन और एक प्याज काट दूंगी, प्याज में थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी। अच्छा लगता है अरवी के साथ प्याज का सलाद होना, तो स्वाद बढ़ जाता है। तो ये तीनों बाप बेटी के लिए थाली है और सब्जी आप खुद देख लीजिए कितनी अच्छी लगी है, अच्छी बनी। और अरवी 2 सीटियों में बन के बहुत बढ़िया तैयार होती है। और तरी पानी कितना डालना ये हमारे ऊपर होता है, जितना हम डालना चाहें, और मसाले भी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। सारा काम हो गया, यहाँ बैठे बहुत अच्छी हवा चल रही है और ऊपर का पंखा बंद बंद कर दिया है, ये गेट बंद कर लेते, सामने रोशनी आ रही है। अभी देखिए एकदम से साफ आ रही है, ये देखिए हो गया ना, बस यहीं बैठ जाती हूँ। दिखाती सोना, तो कल बहुत सारे कमेंट आए सोमवार को बाल नहीं धोते, पर हमारे यहाँ तो धो लेते हैं, अगर बाल धो के व्रत नहीं करेंगे तो कैसे होता है। पर चलिए अगर आप लोग कहते हैं कि सोमवार को मैं व्रत में बाल ना धोऊँ तो नहीं धोऊँगी, रविवार को धो लूँ, पर हमारे यहाँ तो धोते हैं, व्रत में बाल नहीं धोया जाता है। ये थोड़ा सा मुझे बहुत टाइम से आ रहे थे, फिर मैंने किया भी, फिर मैंने बिना बाल धोए व्रत कैसे होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, सबके अलग के अलग अलग रीति रिवाज है। चलिए अब आप लोग, इतने सारे कल कमेंट आए तो इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं, तो मैं ध्यान रखूँगी, बहुत पक्का वाला ध्यान रखूँगी, और कुछ मेरी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ बोलने में वो हो जाती, तो प्लीज़ आप लोग इतने टाइम से वो करें तो आप लोग उनको समझ आया करिए, कि कोशिश मैं पूरी करती हूँ पर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, और कोई भी गलती हो जाया करे तो छोटा या बड़ा समझ के माफ़ कर दीजिए करिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो मैं शुरू से बचपन से मैं नहीं बोल पाती हूँ, और मुझे भूलने की भी वो रहती है। मैं पता है पहले चाय पत्ती या कुछ 1 किलो कुछ चीनी या कुछ लेने जाती थी ना, तो पूरे रास्ते 1 किलो चावल 1 किलो चावल 1 किलो दाल और दाल लेने जाती थी, अरहर की दाल आधे रास्ते जाते भूल जाती थी। तो ये सब है कुछ वर्ड मैं बचपन से ही नहीं बोल पाती हूँ, अलग निकलते, तो आप लोग समझ जाया करिए कि वो तो उसको थोड़ा बड़ा मत बनाया करिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर कोई नहीं, अब आप लोग बोलेंगे मैं सुधार करती हूँ, कोशिश हर करती हूँ, क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकती, कोशिश करती हूँ। देखिए कैसे बाल हो गए, तो जा रही हूँ बालों में तेल डालूँगी, और अब जा रही हूँ इस वीडियो को एंड करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे जाके बहुत सारे कपड़े को सुखाना है, कपड़े धो लिए थे, सुखाए नहीं थे, सुबह धोए थे, सुखाए, कौन कुर्सी पे तो रखे हुए हैं ना, उनको सुखाना तो पड़ेगा ना, मास वगैरह इनके तो डेली धोती हूँ आप लोग पता ही है, तो बस सुखाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई, पर मेरी गांव में बारिश हो रही है, दीदी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप लोग पूछ रहे थे ना दीदी की तबीयत तो अभी ठीक नहीं है, मैंने बोला दीदी आ जाए क्या, तो वो बोली नहीं मत आओ अभी, इतना वो करके आओगी, तब भी देखते हैं जैसा होगा मैं बता, आप लोग कमेंट आए थे दीदी कैसी, तो सोनू दीदी अभी ठीक नहीं है, उनका थोड़ा सा बुखार नहीं निकल रहा है, उनको बुखार नहीं जा रहा उन्हें, अब तो थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब उतना ठीक नहीं है, खाना पानी 3-4 5 दिन से नहीं खाया था उन्होंने, तो थोड़ा सा वो लगा, बात होती रहती है, और बड़ी दीदी है वहाँ पे, और भी बहुत गाँव में तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, हम ही यहाँ अकेले रह जाते हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, और ज़्यादा देर करूँगी तो एक बार दो दो बार निकल जाएगी, तो इसीलिए अब कल मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, और कोई भी रेसिपी आप लोग बोलते, थोड़ा टाइम दिया करिए, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है, मेरा बजट हो जाता है, सब कुछ मैं सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, तो मैं खुद से रेसिपी दे देती हूँ, तो आप लोग कमेंट मुझे एक बार आप कमेंट करते, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, इनको बता देती हूँ, ये मुझे याद दिलाते रहते हैं, तो मैं बहुत वो रखती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दिया करिए।